नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान, जिसे कि हम पीएच स्केल भी कहते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अम्ल और क्षार और उदासीन कौन कौन सा होता है। तो 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल का मान होता है। अम्ल जो होगा 7 जो होगा ये उदासीन होगा। अम्लीय जो होगा 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा जो होगा वो क्षारीय होगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, तो सोरेंस ने। नेक्स्ट देखते हैं जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगला देखते हैं नमक का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी 7 होता है। आगे देखते हैं मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, इसका भी 4.8 से 8.4 तक होता है। आगे देखते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 7.4। नेक्स्ट समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5। नेक्स्ट देखते हैं आंसू का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 7.4। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5। नेक्स्ट देखते हैं नींबू का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 2.4। नेक्स्ट देखते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 6.4। आगे देखते हैं शराब का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 2.8। नेक्स्ट देखते हैं सिरके का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 3। आगे देखते हैं टमाटर का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 4.5, और टमाटर के रस का जब पूछा जाए तो 4.1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं सोडा का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 3। संतरे का रस का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 3.7। मछली का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 6.6 से 6.8। आगे देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 12.4। नेक्स्ट देखते हैं सेब का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 3। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 11.6। आगे देखते हैं मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 10.5। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 8.5। नेक्स्ट देखते हैं छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 7.4। आगे देखते हैं मक्खन बटर का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 6.1 से 6.4। नेक्स्ट देखते हैं पनीर का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 5.9। आगे देखते हैं शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 7 से 10। नेक्स्ट देखते हैं बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 5.4। नेक्स्ट देखते हैं केला का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 4.5 से 5.2। अगला देखते हैं चाय का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 5.5। नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 5। बियर का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 4.5। नेक्स्ट देखते हैं अंडा का पीएच मान कितना होता है, 7.8। नेक्स्ट स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है, 5.5। नेक्स्ट देखते हैं उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो क्या बताए थे, तो 7। आगे देखते हैं क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 7 से ज़्यादा। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, आंसर होगा 8। नेक्स्ट देखते हैं पीएच मीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो शुरू में ही बताया गया था 0 से 14। नेक्स्ट देखते हैं पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होगा पीएच लॉग 10H। आगे देखते हैं पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आंसर होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन उपयोग दोनों। लास्ट सवाल, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाती है, आंसर होगा 0.2। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।